हम सभी पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं और पहाड़ों की जब बात आती है तो हम हिमालयस को सबसे पहले रखते हैं। हिमालयस बहुत सुंदर, विशाल और अद्भुत माउंटेन रेंज है जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। पर आपको ये पता है कि आखिर इन हिमालयस का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों, स्वागत है आपका हूगल की एक और नई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटे को दबाना मत भूलना। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर हिमालयस की फॉर्मेशन के पीछे की साइंस है क्या, और अगर इनकी फॉर्मेशन ना होती तो आज दुनिया कैसी होती। हम सभी ने कभी ना कभी इस माउंटेन रेंज को देखा होगा, या तो रियल लाइफ में या फोटोज और वीडियोस में। पर जितनी खूबसूरत ये लगते हैं, उतना ही समय, फोर्स और एनर्जी लगी है इन हिमालयस को बनने में। हिमालयस एक बहुत लंबा स्ट्रेच है नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का। ये लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला है। ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान और नेपाल से पास होता है। अब इस पूरी हिमालयन रेंज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को बोलते हैं द ग्रेट हिमालयस एंड आल्सो नोन एज हिमाद्री। दुनिया की हाईएस्ट पीक्स हैं इस हिमालयन रेंज में, जैसे माउंट एवरेस्ट। फिर दूसरे नंबर पर आता है मिडिल हिमालयस और हिमाचल। ये द ग्रेट हिमालयस के साउथ में पड़ता है। तीसरी रेंज है इसकी द शिवालिक, जो उसकी सदर्न मोस्ट रेंज है। तो बेसिकली ये दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, जिसका जन्म हुआ जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट टकराया यूरेशियन सबकॉन्टिनेंट से। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों प्लेट्स के टकराने से ही हिमालयस का जन्म हुआ। बल्कि जो आज हम मैसिव क्लाइमेट चेंज एक्सपीरियंस करते हैं, उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं यही है, और इस बेल्ट में आने वाले हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स भी इसी का रिजल्ट है। अब समझते हैं आखिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूरेशिया से टकराया कैसे और इतना मैसिव एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ कैसे। हमारी अर्थ प्लेट्स से बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। उन प्लेट्स के ऊपर हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। आज हम वर्ल्ड मैप या ग्लोब में कॉन्टिनेंट्स की जो पोजीशन देखते हैं, आज से कई मिलियन साल पहले ये पोजीशन बिल्कुल अलग थी। माना जाता है इनिशियली अर्थ में एक जगह केवल लैंड हुआ करता था और दूसरी जगह पानी। अर्थ की कई लेयर्स हैं और अर्थ अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है, जहाँ मोल्टन लावा बहता है। उस मोल्टन लावा के मूवमेंट से शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये शॉक वेव्स अर्थ के सरफेस पे कॉन्टिनेंट्स को मूव करती हैं। पर ये रिजल्ट देखने में कई सदियां बीत जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था 50 मिलियन साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ। अगर हम अब से कुछ 500 मिलियन साल पहले की बात करें, तो गोंडवाना लैंड हुआ करता था, जिसका पार्ट इंडिया था। उसमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका भी था। और फिर लगभग कुछ 200 से 250 मिलियन साल बाद ये गोंडवाना लैंड यूरो अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जाकर टकराया और एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बना, जिसको हम पैंजिया बोलते हैं। फिर इसमें कुछ और मूवमेंट्स हुए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपनी जगह से टूटकर नॉर्थ की साइड मूव करने लगा। जैसे जैसे ये सब कॉन्टिनेंट आगे बढ़ा, ये कुछ ऐसे हॉटस्पॉट से गुजरा अर्थ के, जिसने इसकी स्पीड बढ़ा दी और ये और तेजी से नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। बीच बीच में इंडिया का कुछ पार्ट अलग होता रहा, जिसके कारण ये और हल्का हो गया और स्पीड इसकी और तेज हो गई। इंडिया ने 9000 किलोमीटर कवर किया 70 मिलियन साल में, और जाकर साउथ एशिया में अपनी पोजीशन बनाई, जहां हम इसको आज देखते हैं। इसकी स्पीड का अंदाजा ऐसे लगता है कि एवरेज स्पीड एक कॉन्टिनेंट के मूव करने की होती है 5 सेंटीमीटर एक साल में, पर इंडिया ने कवर किया 20 सेंटीमीटर एक साल में, जो कि 4 गुना है एक नॉर्मल कॉन्टिनेंट की स्पीड के। इसीलिए क्योंकि इतनी तेज स्पीड में ये कोलिजन हुआ, तभी हिमालयस इतने स्ट्रॉन्ग और टॉल हैं। इंडिया में कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल मिले जो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया में पाए गए,
जो गोंडवाना लैंड की थ्योरी और टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी को प्रूव करने के लिए इनफ हैं। पर इंडिया वहां से केवल ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं लाया, बल्कि इस पर अबंडेंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज देखने को मिली, क्योंकि इसको कई मिलियन ईयर्स ट्रैवल करना पड़ा, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट चेंज से गुजरना पड़ा। इतनी वैरायटी इसीलिए है। एक कमाल की बात यह है, इन एवोल्यूशन में सबसे अच्छा एवोल्यूशन हुआ वेल्स का। जी हाँ, आपने सही सुना, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मूवमेंट्स ने वेल का एवोल्यूशन किया। माना जाता है एक डियर जैसा दिखने वाला जानवर कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होता है और वेल की फॉर्मेशन होती है। और जैसे ही ये दो प्लेट्स आपस में टकराई, यहाँ के एनिमल्स एशिया की बाकी जगहों पर माइग्रेट करते हैं, दूसरी स्पीशीज से इंटरैक्ट करते हैं और ना जाने कितनी एवोल्यूशंस को जन्म देते हैं। इनफैक्ट ये हिमालयस, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और आसपास के एरियाज में होने वाली बारिश को भी अफेक्ट करता है। इतना ही नहीं, आज हमारे यहाँ जितनी भी रिवर्स हैं, मानो गंगा, इंडस, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सब हिमालय से ही जन्मी हैं। इस पानी ने कई सालों तक इन हिमालयस को इरोड किया और ये इरोडेड मटेरियल जहाँ कलेक्ट हुआ उसको आज हम बंगाल डेल्टा बोलते हैं। पर एक जो सबसे बड़ी चीज़ हुई इस कोलिजन से, वो हुआ अर्थ कूलिंग। इससे पहले अर्थ बहुत गर्म थी, इतना कि यहाँ पूरे अर्थ पर कहीं बर्फ नहीं थी, ना नॉर्थ पोल पे ना साउथ पोल पे। हिमालयस की फॉर्मेशन की वजह से हिमालयस ने हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से ग्लोबल कूलिंग हुई। और जैसे जैसे हिमालयस ग्रो हुए, अर्थ का टेम्परेचर गिरने लगा और आइस एज की शुरुआत हुई। लेकिन ये मूवमेंट यहीं ख़त्म नहीं होता। इंडियन सबकॉन्टिनेंट अभी भी धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव हो रहा है, जिसका मतलब हिमालयस अभी भी ग्रो कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज नेपाल और उसकी नेबरिंग कंट्रीज में इतने मैसिव अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस कोलिजन ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, पेपर पर और हकीकत में भी। दोस्तों, आप कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कितना जानते हैं इस कोलिजन के बारे में। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। और दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियोस लाते रहें।